elected to the Honorable Governor. Kashmir, especially the students. We all know that education is the most visible and the basic issue that we have in our Kashmir. And education is the basis of every nation. Every nation is strong only because of education. Without education, a nation is of no worth. You know, like the earlier speakers spoke about education, I'll also touch a few points of education. So you see, you know, Kashmir ke tamam doston, aap mera yakeen kare, maine yahan aane ke baad Vijay Kumar ji samet kisi officer se koi briefing Kashmir ke bare mein nahi li. Humko IB ke joint director available hote hain, wo brief karte hain. मैंने उनको सुना, लेकिन अपनी राय उनके कहने के नहीं बनाई. इंटेलिजेंस के और अफसर होते हैं, उनके कहने पे भी नहीं बनाई. मैं खालिद भाई जैसे दसियों दोस्तों से मिला, उन लोगों से बात की, और सही कहूं तो मैं कश्मीर के नौजवानों का जो सोच है उसके आधार पे, उसके बेसिस पे मैंने अपनी राय बनाई और उसी के बेसिस पे मैं बोला. और उसका नतीजा हुआ कि मुझे हजारों मुबारकबाद के खत आए, मुबारकबाद के फोन आए, व्हाट्सएप आए, और उसमें कुछ तो ऐसे भी थे कि जो मेरी सलामती की दुआ कर रहे थे. तो मैं और जाके दिल्ली में भी जो मैंने नैरेटिव दिया वो सबसे अलग था. मेरा यह कहना था कि कश्मीर के सवाल पे आप कभी हुर्रियत से बात करते हैं, कभी इस पार्टी से बात करते हैं, कभी उस पार्टी से बात करते हैं, कभी पाकिस्तान से बात करते हैं. बात अगर करनी है तो 13 से 20 साल के जो नौजवान हैं, जो करीब 46% हैं, उनसे करिए, उनको एड्रेस करिए. वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, चूंकि वो है कश्मीर. कोई भी मुल्क पुलों से, इमारतों से, कारखानों से नहीं बनता है, वो वहां की यंगर जेनरेशन से बनता है. लिहाजा उनसे कम्युनिकेट करिए. अगर उनके दिल जीत लोगे, उनको अपने साथ कर लोगे, तो कश्मीर तो ठीक हो ही जाएगा.